हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ की कुछ ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मूवीज़ के बारे में जिनके बारे में आज तक आपने सुना नहीं होगा। दोस्तों, ज़बरदस्त सस्पेंस पर बेस्ड इन मूवीज़ को आप देखना ज़रूर चाहेंगे क्योंकि ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं और आपको आसानी से मिल जाएंगी। यदि आप सस्पेंस थ्रिलर फिल्में देख रहे हैं और अपने सीट को छोड़ना नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देख रहे हैं और आपके पास सस्पेंस थ्रिलर का विकल्प समाप्त हो गया है तो हम आपको दक्षिण भारतीय फिल्मों की कुछ ऐसी सूची बताएंगे जो आपको मनोरंजन से भर देंगी। सस्पेंस थ्रिलर ठूस ठूस करके आपके दिमाग में भर जाएगा। ऐसी मूवीज़ जिनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है और असाधारण सेटों के साथ इन मूवीज़ ने बॉलीवुड की मूवीज़ को भी पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सातवां दिन। फिल्म में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न आए हैं। सातवां दिन एक रोमांचक मूवी है। पूरी स्टोरी लाइन काफ़ी पेचीदा है लेकिन अंत तक आपके दिमाग को बांध करके ये रखती है और आखिरी में तो आपका दिमाग ही उड़ जाएगा। इस तरह की मिस्ट्री से भरी हुई ये मूवी है। यदि आपने इसे पहले नहीं देखा है तो इसे आप अपनी सूची में ज़रूर रखिए। मुंबई पुलिस। रोशन एंड्रयूज की मुंबई पुलिस इस तरह की एक ज़बरदस्त मूवी है जो हर तरीके की परेशानियों को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है। पृथ्वीराज सुकुमारन द्वारा अभिनीत ACP एंटनी का रोल ज़बरदस्त है जिसमें वो अपने दोस्त के हत्यारे का पता लगा रहे होते हैं लेकिन अपनी याददाश्त वो खो देते हैं। पूरी कहानी आपको रोमांचित करके रख देगी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी ज़बरदस्त नाम कमाया था और यह मूवी सस्पेंस से पूरी तरीके से भरी हुई है। विक्रम बेधा। विक्रम बेताल द्वारा प्रेरित यह तमिल फिल्म आर माधवन और विजय सेतुपति द्वारा अभिनीत एक बोल्ड मूवी है। इसकी कहानी एक कठिन दिमाग वाले गैंगस्टर की है जो कि बहुत कुख्यात है। उसका नाम वेधा है। इसमें अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस की खोज एक अजीबोगरीब नाटक में बदल जाती है जिससे दर्शक बंधे हुए रहते हैं और उन्हें आनंद बहुत आता है। ज़बरदस्त संवाद के साथ यह मूवी अपने सस्पेंस के स्तर को बहुत ऊंचा रखती है। दोस्तों, यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। नाटक। जबकि हम पहले ही बॉलीवुड में दृश्यम की रीमेक देख चुके हैं, मूल मलयालम में यह फिल्म वास्तव में ज़बरदस्त है। एक खुशहाल परिवार की किस्मत तब बदल जाती है जब इसमें एक बेटी के रोल को फिल्माया जाता है। परिवार का जो पिता होता है वह बहुत कड़ी मेहनत करता है अपने परिवार के लिए। फिल्म हर एक तरीके से आपको खुश करके रख देगी। ज़बरदस्त एक्टिंग और ज़बरदस्त कहानी के साथ इस स्टोरी को आप हरदम याद रखेंगे। विश्वरूपम। सभी विवादों के बावजूद जो विश्वरूपम को हरदम घेरे हुए थे, यह एक थ्रिलर फिल्म आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आती है। अपने पंच लाइनों के साथ और अपने संवादों के कारण यह मूवी आपके दिल में बैठ जाएगी। कमल हसन ने इसमें ज़बरदस्त अभिनय किया है। वास्तव में इस फिल्म को अगर सही से नापा जाए तो एक ज़बरदस्त सस्पेंस थ्रिलर आपके सामने निकल करके आएगी। यूटर्न। यूटर्न एक कन्नड़ फिल्म है जो किसी भी तरीके से ढीली नहीं है। एक ज़बरदस्त कहानी के साथ यह हमारे दिमाग में पैठ बना लेती है। फिल्म शुरू से ही एक आकर्षक कहानी पर बेस्ड है क्योंकि यह एक बुनियादी ट्रैफिक उल्लंघन के नियम को दिखाती है जो आगे चलकर एक अनसुलझी हत्या के रहस्य में बदल जाती है। यूटर्न एक कम बजट वाली फिल्म है लेकिन इसके कलाकारों ने ज़बरदस्त अभिनय किया है और यह फिल्म सस्पेंस से पूरी तरीके से भरी हुई है। इरम्बुथिराई सर्वश्रेष्ठ दक्षिण भारतीय थ्रिलर फिल्मों में से एक है। साइबर अपराध पर आधारित कई फिल्में हैं लेकिन इरम्बुथिराई इन सब से ऊपर निकल जाती है क्योंकि यह प्रेजेंट सिचुएशन को बहुत सही तरीके से दिखाती है। फिल्म एक रक्षा सूचना के लीक हो जाने पर आधारित है जहां एक व्यक्ति डाटा को हैक कर लेता है और देश की सुरक्षा को खतरे में डाल देता है। यह तमिल फिल्म निर्विवाद रूप से कही जाए तो सबसे अच्छी मूवी है जिसमें हमें डेटा चोरी की बारीकियों से भी अवगत कराया गया है। दोस्तों, ये थी कुछ फिल्में जो सस्पेंस और थ्रिलर पर बेस्ड हैं जो आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल का बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू। खत्म। बाय बाय। टाटा। गुड बाय।